हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 40x80 साइज के प्लॉट का 3D एलिवेशन लेके आए हैं, जिसमें आपको 6 बेडरूम, 2 सीटिंग एरिया और 1 स्टोर रूम का एरिया मिल जाता है। साथ में आपको एक बड़ी सी पार्किंग और लॉन का एरिया भी मिल जाता है। पहले चलिए हम इसका बाहर से लुक देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने प्लॉट का 3D एलिवेशन बनवाना हो तो आप मुझे कमेंट करके अपने प्लॉट का साइज बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस घर के अंदर हम चलते हैं। ये हमारा मेन गेट का एरिया, पीछे हमने पार्किंग का एरिया दिया हुआ है, साथ में हमने ग्रीनरी वगैरह लगाने के लिए स्पेस भी छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आप आराम से 2 से 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, उसके बाद भी आपके पास स्पेस रहेगा। अब चलते हैं हम अपने घर के अंदर। हमारा ये मेन डोर से हम एंट्री लेते ही हमें ये खूबसूरत सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और राइट साइड में हमारा ये गेस्ट का सिटिंग एरिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। गेस्ट के सिटिंग एरिया से बाहर निकलते ही हमें जस्ट बगल में अपना पर्सनल सिटिंग एरिया मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। गेस्ट के सिटिंग एरिया के जस्ट सामने ही हमने गेस्ट के लिए रूम बनाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों घर में मेहमान वगैरह आते हैं तो उनके लिए अलग से पर्सनल रूम ये हमने दिया हुआ है। गेस्ट रूम से बाहर आते ही हमें गेस्ट रूम के बगल में अपना एक कंबाइंड लेटरिन बाथरूम का एरिया मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, चलते हैं हम पीछे की तरफ। हमारा गेस्ट रूम को छोड़ के ये हमारा पहला पर्सनल बेडरूम एरिया आपको देखने को मिल रहा है। इस एरिया के पीछे हमने स्पेस छोड़ा हुआ है और राइट साइड में हमने इससे अटैच लैट्रिन बाथरूम का एरिया दिया हुआ है। इस रूम में हमने वेंटिलेशन के लिए एक बड़ी सी खिड़की भी दी हुई है, साथ में एक डोर जो आपका पीछे के एरिया में खुलता है। पीछे के एरिया ये हमने ओपन और स्पेसियस दिया हुआ है, साथ में हमने ये डाइनिंग का एरिया दिया हुआ है। डाइनिंग के एरिया के जस्ट बगल में हमें किचन का एरिया मिल जाता है। इस किचन के एरिया में भी हमने बड़ी सी विंडो दी हुई है, साथ में एक डोर जो कि हमारा बैक स्पेस में खुलता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। हमने ग्राउंड फ्लोर देख लिया, अब हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये हमारी स्टेयर्स।
स्टेयर से ऊपर आते ही हमने राइट साइड में एक स्टोर रूम का एरिया दिया हुआ है। साथ में दोस्तों ये एरिया ओपन एरिया था, जो नीचे से स्पेस देखने में अच्छा लग रहा था, वो वाला एरिया। अब हम चलते अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। ये हमारा थर्ड बेडरूम, साथ में इसके हमें अटैच लेटरिन बाथरूम का एरिया मिल जाता है। इस बेडरूम में हमने बड़ी सी विंडो दी हुई है और इस बेडरूम के जस्ट सामने हमें फोर्थ बेडरूम मिल जाता है। इस रूम से अटैच भी हमें एक लैट्रिन बाथरूम का एरिया मिल जाता है। रूम में बड़ी सी विंडो, साथ में एक डोर जो कि हमारा बालकनी के एरिया में खुलता है। ये हमने बड़ी सी बालकनी रखी हुई है जिसमें आप चेयर वगैरह लगा के आराम से बैठ सकते हैं। साथ में बड़ी सी बालकनी का सेकेंड एंड हमारा थर्ड बेडरूम की तरफ आता है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने पीछे वाले बेडरूमों की तरफ। ये हमारा फिफ्थ बेडरूम मिल जाता है, जिसमें कि हमने विंडो दी हुई है, साथ में डोर दिया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। साथ में हमने पीछे की साइड भी बालकनी दी हुई है। बालकनी का एंड हमारे लास्ट बेडरूम की तरफ होता है। यह हमारा लास्ट बेडरूम। और इस रूम से भी अटैच हमें एक लैट्रिन बाथरूम का एरिया दिख जाता है। इस रूम से बाहर निकलते ही दोस्तों हमें सामने की तरफ स्टेयर्स जो कि हमारी टेरेस पे जाती है। आइए चलते हैं टेरेस की तरफ। दोस्तों ये टेरेस का एरिया आप देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से इसको डेकोरेट किया है, साथ में सीटिंग का एरिया बनाया हुआ है। इस टेरेस गार्डन में आप छोटी मोटी पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं आराम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।